बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने तीन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं चैप्टर नंबर 21 के, और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये आसान भी हैं। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आइए देखते हैं ये कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं। द फर्स्ट वन दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। आपने डिटेल से माइटोसिस के बारे में और मियोसिस के बारे में पढ़ा है, लेकिन आज के क्वेश्चन के अंदर हम इन दोनों के दरमियान फर्क को वाज़ह करेंगे, क्योंकि आपने माइटोसिस और मियोसिस को डिटेल से पढ़ लिया है, इस वजह से ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत आसान हो चुका होगा। अगर आपको ये दोनों प्रोसेस डिटेल से आते हैं तो ये चीजें आपके लिए बड़ी सिंपल सी होंगी। आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है सेल डिवीजन का जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे रिमेन कांस्टेंट, यू नो, बट इन केस ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दे बिकम हाफ, ये आधे रह जाते हैं। किसमें? डॉटर सेल्स में। दूसरा डिफरेंस, माइटोसिस टेक्स प्लेस इन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स या ऑर्गेनिजम्स। ये बात हमने पहले डिस्कस की थी कि इन केस ऑफ हनीबीज, हनीबी मेल वो हैप्लॉइड होते हैं और उनमें जब स्पर्म बनते हैं तो माइटोसिस से बनते हैं। इस तरह से इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स उनके जो सेक्स आप कह सकते हैं ऑर्गन्स हैं जैसे इंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, ये दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं और इनमें भी माइटोसिस के जरिए से स्पर्म और एग बनते हैं। बट मियोसिस इट इज ऑलवेज टेक्स प्लेस ओनली इन डिप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड सेल्स में ये प्रोसेस शुरू होता है और इसके एंड पे चार सेल्स बनते हैं। ये डिफरेंस भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा डिफरेंस आप स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में माइटोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनके जायगोट से लेकर जब डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू होते हैं तब भी माइटोसिस है, और डेवलपमेंट के बाद जब ग्रोथ होती है तब भी माइटोसिस ही इन्वॉल्व होती है, और इट आल्सो इन्वॉल्व इन गैमेट फॉर्मेशन। यहाँ पे तीन पॉइंट लिखे हुए, ग्रोथ, डेवलपमेंट और गैमेट्स। माइटोसिस ग्रोथ में साइज, बॉडी का साइज बढ़ाने में इन्वॉल्व होती है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलपमेंट के दौरान बनाने में इन्वॉल्व होती है, और अभी मैंने डिस्कस किया है कि ये कुछ हद तक गैमेट्स बनाने में भी इन्वॉल्व होती है, जैसे मैंने हनी बी मेल्स की बात की है और ब्रायोफाइट्स की बात की है। जबकि मियोसिस का स्पेसिफिकली रोल गैमेट्स बनाने में है, ये गैमेट बनाने में खास तौर पर इन्वॉल्व होती है। कौन? मियोसिस। द फोर्थ डिफरेंस दैट इज माइटोसिस टेक्स प्लेस इन ऑल बॉडी सेल्स एंड लेस कॉमन इन गुनेड्स। गुनेड्स में ये बहुत कम है, गुनेड्स में होती है, जैसे मैंने फिर मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हनी बी मेल्स में और सेक्स ऑर्गन्स में जैसे इंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया वगैरह में, तो ये बहुत लेस कॉमन है गुनेड्स में, लेकिन बॉडी के तमाम सेल्स में ये पाई जाती है। इन केस ऑफ मियोसिस इट इज कॉमन इन गुनेड्स। गुनेड्स आपको पता होना चाहिए कि ये वो बॉडी के ऑर्गन्स हैं जहाँ पे गैमेट्स बनते हैं, जैसे टेस्टिस हैं इन मेल और ओवरीज हैं इन फीमेल, तो इनको क्या कहते हैं? हम गुनेड्स कहते हैं कलेक्टिवली। तो गुनेड्स के अंदर मियोसिस बहुत कॉमन है, तो ये मियोसिस बॉडी सेल्स में नहीं होती। द फिफ्थ डिफरेंस दैट इज इन माइटोसिस नो जेनेटिक वेरिएशंस। यानी कि जब मियोसिस का प्रोसेस होता है तो उस वक्त क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, यानी कि आप कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल में रिशफलिंग नहीं होती। जिस तरह के क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में पाए जाते हैं वैसे ही डॉटर सेल में मूव कर जाते हैं, बट इन केस ऑफ मियोसिस जेनेटिक वेरिएशंस आर प्रेजेंट। जेनेटिक वेरिएशंस दे अपीयर इन न्यू सेल्स, तो गैमेट्स के अंदर या न्यू जनरेशन के अंदर मियोसिस के तहत जेनेटिक वेरिएशंस आ जाती है, क्रॉसिंग ओवर होती है और नए नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इन केस ऑफ माइटोसिस द नेक्स्ट डिफरेंस, इन केस ऑफ माइटोसिस नो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम की पेयरिंग नहीं होती, जैसे मेटाफेज में क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज हो जाते हैं मियोसिस में, लेकिन माइटोसिस में ऐसा नहीं होता।
लेकिन मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स दे फॉर्म पेयर्स। तो ये गौर से सुने कि माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम की पेयरिंग नहीं होती, जबकि मियोसिस के अंदर होमोलोग क्रोमोसोम्स पेयर बनाते हैं। अभी डायग्राम में भी इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस दैट इज इन केस ऑफ माइटोसिस वन क्रोमोसोम रिसीव्स टू स्पिंडल फाइबर्स, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम के पास दो स्पिंडल फाइबर्स आते हैं, यानी कि एक एक पोल से और दूसरा दूसरे पोल से। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम के पास दो कनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स आते हैं। आप जरा इस डायग्राम में गौर करें, जरा इस डायग्राम के अंदर देखें, ये मेटाफेज स्टेज है और क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज है और एक क्रोमोसोम के पास दो स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं, एक एक तरफ से आ रहा है और दूसरा दूसरी तरफ से। ऐसे ही इस क्रोमोसोम के पास भी दो स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं, एक एक तरफ से और दूसरा दूसरी तरफ से। तो जितने भी क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज हैं सबके पास दो दो स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं। लेकिन इन केस ऑफ मियोसिस के डायग्राम में देखें जरा, वन क्रोमोसोम रिसीव्स ओनली वन स्पिंडल फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव पोल। आप देखें यहाँ पे जरा, ये मेटाफेज स्टेज है और यहाँ पे क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में है, एक मैंने ब्लू कलर में बनाया हुआ, दूसरा रेड में है। तो ये पेयर है, ये होमोलोग क्रोमोसोम का पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है। अब एक क्रोमोसोम के पास सिर्फ एक स्पिंडल फाइबर है, इधर से ये आ गया और इधर से ये, तो एक क्रोमोसोम के पास एक स्पिंडल फाइबर है। तो ये दोनों की मेटाफेज स्टेज है। द नेक्स्ट डिफरेंस दैट इज वन क्रोमोसोम डिवाइड्स इनटू टू, एक क्रोमोसोम डिवाइड होकर दो क्रोमोसोम बना देता है, या आप कह सकते हैं कि दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि वो दो सिस्टर क्रोमेटिड भी हैं क्योंकि वो बिल्कुल 100% आइडेंटिकल हैं। इस वजह से हम उनको क्या कह सकते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये क्रोमेटिड भी हैं एक दूसरे के, बेशक सेपरेट हो रहे हैं लेकिन इस सेल के अंदर ये दोनों एक दूसरे के क्रोमेटिड भी हैं। तो इसमें गौर करें कि एक क्रोमोसोम जो कि पहले जुड़े हुए थे अब दो में चेंज हो गए हैं एनाफेज के दौरान। लेकिन इन केस ऑफ मियोसिस होल क्रोमोसोम मूव्स, यहां पे क्रोमोसोम की डिवीजन नहीं होती, यानी कि जब मियोसिस वन होती है तो पूरा का पूरा ऐसा क्रोमोसोम मूव करता है, मतलब ये जो क्रोमोसोम है ये एक तरफ मूव कर जाता है और ये क्रोमोसोम दूसरी तरफ मूव कर जाता है, एक पोल में ये एक पोल में ये, बाकी सारे क्रोमोसोम भी ऐसे ही मूव कर जाते हैं, आधे क्रोमोसोम एक तरफ आधे क्रोमोसोम एक तरफ दूसरी तरफ। इस वजह से हम मियोसिस को, यानी कि मियोसिस वन को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि मियोसिस में क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है। तो ये था इन दोनों में डिफरेंस। फिर हम यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि माइटोसिस से पहले जो इंटरफेज होती है उसमें G2 फेज प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर जो G2 फेज है वो प्रेजेंट है, लेकिन इन केस ऑफ मियोसिस G2 फेज, ये कि मियोसिस से पहले जो इंटरफेज होती है उसमें G2 फेज नहीं होती, एब्सेंट है। तो ये भी आप इसमें एक डिफरेंस लिख सकते हैं कि इनमें ये भी इनके G2 फेज, इसमें क्या होगी जी, माइटोसिस से पहले जो इंटरफेज होगी उसके अंदर G2 फेज प्रेजेंट है, जबकि मियोसिस से पहले जो इंटरफेज होगी उसमें G2 फेज एब्सेंट है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने काफी ज्यादा डिफरेंस मैंने मेंशन किए हैं, अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आप एटलीस्ट 2 पॉइंट जरूर लिखें सही वाले, वैसे या तो आपको सारे करने चाहिए, डायग्राम आपको पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं हम एक क्वेश्चन, आपने ये पीछे पढ़ा है कि मियोसिस की दो फॉर्म्स हैं, मियोसिस वन और मियोसिस टू, ये आप डिफरेंस में लिख सकते हैं कि माइटोसिस एक सिंगल फेज में ही होती है जबकि मियोसिस की दो स्टेजेस हैं, मियोसिस वन और मियोसिस टू, ये भी डिफरेंस में लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि माइटोसिस जब खत्म होती है, एंड होता है माइटोसिस का, तो रिजल्टेंट या डॉटर सेल दो बनते हैं, जबकि मियोसिस जब खत्म होती है, मियोसिस का जब प्रोसेस खत्म होता है तो 4 सेल बनते हैं, ये भी आप डिफरेंस लिख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस टू में सिमिलैरिटीज कौन कौन सी, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, सिमिलैरिटीज बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस टू। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपने पीछे पढ़ी है कि जो मियोसिस वन है उसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं क्योंकि उसमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है, जबकि मियोसिस टू जस्ट लाइक माइटोसिस, यानी कि उसमें बेशमार डिफरेंस भी हो सकते हैं लेकिन उनमें बेशमार ऐसे मतलब प्रोसेसेस हैं, ऐसे इवेंट्स हैं जो दोनों में, माइटोसिस और मियोसिस टू में
सेम है या सिमिलर है। आइए देखते हैं वो कौन से हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी अक्सर पूछा गया है। तो देखते हैं पहला पॉइंट है जी, इन बोथ प्रोसेसेस क्या बताते हैं, माइटोसिस और मियोसिस टू, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम इन डॉटर सेल्स। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। माइटोसिस में तो आपको पता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मियोसिस टू में भी ऐसा होता है, क्योंकि मियोसिस टू जब शुरू होगी तो वो सेल हैप्लॉइड हो चुका होगा, वो मियोसिस वन से गुजरा है, अब उसमें क्रोमोसोम हाफ हो चुके हैं, और वही हाफ क्रोमोसोम जब नेक्स्ट मियोसिस टू में से गुजरने के बाद उसमें भी हाफ ही रहेंगे, यानी कि क्रोमोसोम जितने पेरेंट सेल में थे उतने ही डॉटर सेल में रहेंगे, जो हाफ वाला प्रोसेस है वो मियोसिस वन में हो चुका है। द नेक्स्ट वन दैट इज नो क्रॉसिंग ओवर इन बोथ प्रोसेसेस, यानी कि माइटोसिस में और मियोसिस टू में कोई भी क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस नहीं होता, जिसकी वजह से देयर इज नो वेरिएशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक वेरिएशन कोई भी नहीं आती। थर्ड फेस एड मेटाफेस, वन क्रोमोसोम यानी कि हर एक क्रोमोसोम के पास एक सॉरी टू स्पिंडल फाइबर्स आते हैं, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा था, इधर कनेक्शन जरा कैमरा, जैसे ये आपके सामने एक मेटाफेस स्टेज है, तो मेटाफेस स्टेज में क्रोमोसोम के पास एक क्रोमोसोम के पास दो स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं, तो सेम ऐसा ही मियोसिस टू में होता है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक प्रोसेस दोनों में सिमिलर है। तो देखते हैं कि मैंने अभी आपके साथ जो पॉइंट डिस्कस किया है कि मेटाफेस में हर क्रोमोसोम के पास दो स्पिंडल फाइबर यानी कि दो कनेटोकोर स्पिंडल्स आते हैं, एक एक पोल से, दूसरा दूसरे पोल से। द नेक्स्ट सिमिलरिटी दैट इज एट एनाफेस, जब एनाफेस होती है तो हर एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम था वो डिवाइड हो जाता है टू क्रोमोसोम्स में या टू क्रोमेटिड्स में, क्रोमेटिड्स में, या हम उसको क्या कह सकते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स या टू क्रोमोसोम्स। तो ऐसा ही हमने पढ़ा है, इधर जरा गौर करें, ये एक डायग्राम है, इसमें जरा एनाफेज में देखें कि क्रोमोसोम सेंटर से डिवाइड हो गया और एक क्रोमेटिड एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ जा रहा है, क्योंकि इनको क्रोमेटिड इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट एक दूसरे की कॉपी है, दोनों के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जैसी है। तो जब मियोसिस टू में और माइटोसिस में एनाफेज का प्रोसेस होगा तो क्रोमोसोम सेंटर से डिवाइड होगी, आधे एक तरफ चले जाएंगे, नहीं कि सेंटर से डिवाइड होके आधे से मरा, यहाँ पर ये नहीं है कि उनमें काम कमी आ जाएगी, नहीं, यानी कि क्रोमोसोम सेंटर से डिवाइड होगा तो वो कुछ उधर और कुछ उधर, लेकिन क्या होगा, जितने उधर जा रहे हैं उतने ही इधर हैं, क्रोमोसोम की तादाद क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। तो ये था इनमें एक सिमिलैरिटी का क्वेश्चन, तो ये देखते हैं कि इनमें डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। तो ये भी एक तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस टू। तो मैंने यहाँ पे एक दो यहाँ पे डिफरेंस लिखा है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये भी, तो आज भी अगर क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट इसके दो डिफरेंस जरूर लिखें। जैसे मैंने मेंशन किया है कि माइटोसिस के अंदर, माइटोसिस दोनों ये डिफरेंसेस हैं, ये सिमिलैरिटी नहीं, सिमिलैरिटी हमने डिस्कस कर ली, माइटोसिस दोनों हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल में हो सकती है, ठीक हो गया जी, माइटोसिस दोनों हैप्लॉइड सेल में भी होती है, डिप्लॉइड सेल में होती है, ये पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया है, जबकि मियोसिस टू हमेशा हैप्लॉइड सेल में होती है, क्योंकि ये हैप्लॉइड सेल इस वजह से होते हैं क्योंकि पहले इससे मियोसिस वन हो चुकी होती है, इस वजह से सेल हैप्लॉइड रह गया। सेकंड डिफरेंस, माइटोसिस में, माइटोसिस की इंटरफेस के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब माइटोसिस का प्रोसेस होगा उससे पहले इंटरफेस होती है, और उस इंटरफेस के अंदर एक एस फेज है जहां पे डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, बट इन केस ऑफ मियोसिस टू डीएनए की डुप्लीकेशन नहीं होती, डीएनए की डुप्लीकेशन सिर्फ मियोसिस वन से पहले ही होती है, मियोसिस टू के शुरू में या मियोसिस टू से पहले जो इंटरफेज होती है उसमें डीएनए की डुप्लीकेशन नहीं होती, क्योंकि क्रोमोसोम ने हाफ रहना है, अगले डॉटर सेल्स के अंदर वो हाफ ही मेंटेन रहेंगे, लिहाजा अगर यहाँ पे डीएनए की डुप्लीकेशन हो जाए तो जो ऐसा होगा तो फिर नेक्स्ट क्रोमोसोम की तादाद हाफ नहीं रहेगी, इस वजह से यहाँ पे डीएनए की या क्रोमोसोम्स की रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन नहीं होती। तो ये स्टूडेंट्स एक शॉर्ट क्वेश्चन था, इसमें मैंने दो डिफरेंस मेंशन किए हैं, तो ये आप ऐसा इस शॉर्ट क्वेश्चन को मेंशन कर सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो डिफरेंस हैं या सिमिलैरिटी हैं उसके एटलीस्ट टू पॉइंट आप लास्ट में मेंशन करें।
तो ये स्टूडेंट आपके सामने मैंने तीन शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है, वो भी हम कंपैरिजन में डिस्कस करेंगे। फिर इस चैप्टर के हम बोर्ड के एमडी कैट के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।